साथ देने वाले हर जाति बिरादरी और धर्म के आदमी आयोजन करने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब बंसाली जी के थप्पड़ खाए थे, मैंने पूछा था, बंसाली जी मैं आपसे आपके पिता का नाम पूछ नहीं रहा हूँ, मेरे पिता का नाम राणा रतन सिंह है ये मुझे पता है, मैं आपके माँ का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी माँ का नाम रानी पद्मावती है और मैं मंजूर नहीं करूंगा सपने में भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कोई प्रेम प्रसंग करते हुए। आज पूरा देश जल रहा है, आज 36 कौम सारी जाति बिरादरी और धर्म के लोग आज यहाँ पर खड़े हैं। सौभाग्य है कि चित्तौड़ वो स्थान जहाँ पर 16,000 स्त्रियों के साथ में हाथ लगाना तो दूर देख भी न सके, इसके लिए रानी पद्मावती ने सभी लोगों के साथ मिलकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे क्या होगा, मैंने कहा एक तारीख है जो कभी आने वाली नहीं है। इस देश में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो चाहे गुजरात के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे मध्य प्रदेश के, हर उस मुख्यमंत्री से मिलने का सौभाग्य पिछले 10 दिनों में प्राप्त हुआ है। हर आदमी चिंतित है इस मुद्दे की संवेदनशीलता को लेकर, और मैं एक बात कहता हूँ, जौहर की ज्वाला है, बहुत कुछ चलेगा, अगर रोक सको तो इस फिल्म को रोक दो, अगर नहीं तो ये देश को जलने के लिए जिम्मेवार पिछले कल के दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने गुजरात में इस बात का समर्थन करा है। कर्णी सेना की बात को सुना जाए, इस मुद्दे की संवेदनशीलता दिखी जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है बैन कर दो इस पद्मावती को चुनाव के दिनों में, कांग्रेस ने कहा है बैन कर दो पूरे देश भर में जब तक चुनाव हो या न हो। एक सौभाग्य की बात है, पार्टी लाइन से इतर, जाति धर्म बिरादरी से अलग हटकर उससे ऊपर